इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शाहिद लतीफ एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लतीफ पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई। इसराइल हमास जंग का आज पांचवा दिन है। रात भर में इसराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इसराइल और हमास की जंग में अब तक 2100 लोगों की मौत हुई है, इनमें से करीब 1200 इसराइली है। वहीं अब तक करीब 900 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ अब सीबीआई टीम भी छानबीन कर रही है। बुधवार को सीबीआई की एक टीम दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकास्त के घर गई और तलाशी ली। एनआईए की टीम ने बुधवार को 6 राज्यों यूपी एमपी राजस्थान दिल्ली महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। खबर लिखे जाने तक ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। डिप्यूटी कलेक्टर निशा बागरे को मंगलवार देर शाम जमानत मिल गई। उन्हें 10,000 रुपए के मुकलचे पर जमानत मिली है। देर रात उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सोमवार को भोपाल के बोर्ड ऑफिस से उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब वे मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के श्राद्ध में सीएम शिवराज को टिकट देने पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। इस पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह ने नाराज होकर कांग्रेस को जवाब दिया, जिस पर कांग्रेस की तरफ से भी सफाई दी गई। बांग्लादेश पर वर्ल्ड कप के लीग मैच में मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में धीमी ओवर फेंकने की वजह से मैच फिक्स का 5% जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी एलिट पैनल के मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने बांग्लादेश को निर्धारित समय में एक ओवर कम फेंकने का दोषी माना। पाकिस्तान टीम ने हैदराबाद के ग्राउंड स्टाफ का आभार जताया और कप्तान बाबर आजम ने अपनी मैच जर्सी उन्हें भेंट में दी। दरअसल पाकिस्तान ने हैदराबाद में ही अपने वर्ल्ड कप के दोनों मुकाबले खेले। वहीं पाकिस्तान ने अपने शुरुआती दो मैच भी इसी ग्राउंड पर खेले। अमिताभ बच्चन अपना 81वां बर्थडे आज 11 अक्टूबर 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर उनके घर के बाहर फैंस का हुजूम जमा हो गया है। इस मौके के कई वीडियोज और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अमिताभ के घर जलसा के बाहर मेला लगा हुआ दिख रहा है। एक्ट्रेस शहनाज गिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। शहनाज को फूड इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण वो मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती थी। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई हैं।